हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता वर्मा व्लॉग। आप सब कैसे गाइस? आई होप अच्छे होंगे। और हम तो गाइस समर वेकेशन के मज़े ले रहे हैं और हरिद्वार में बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। यहाँ पर बच्चों को हमें सबको मज़ा आता है ना कृष्णा? और कृष्णा तो कल हमारे साथ नीलकंठ गया था, इसे तो बहुत मज़ा आया वहाँ पर दर्शन करके, बहुत आनंद आया गाइस। और यहाँ पर आश्रम में अभी पूजा वगैरह चल रही है, चाय वगैरह हमने पी लिया और बस हम तैयार होके जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? मंदिर। मंदिर जा रहे हैं? कौन से मंदिर? एक तो दक्ष के मंदिर अनफल में जो है, और एक जा रहे हैं हम नीलेश्वर महादेव। कहते हैं यहाँ पर ना महादेव आए थे और यहाँ विराजमान होने के बाद केदारनाथ जी गए थे, तो हम जा रहे हैं। महाराज जी ने बताया मैं कि ये मंदिर जरूर देख के आना, कि क्योंकि यहाँ पर भोले बाबा एक बार आए जरूर थे और उन्होंने बैठे भी थे। कह रहे उन्हें बताएं क्या गर्मी लगी, वो सीधा केदारनाथ जी चले गए। जो भी एक बार तो फिर देख के आते हैं, भोले बाबा की नगरी आए हैं तो फिर भोले बाबा के दर्शन तो करने बनते हैं गाइस। इसलिए हम चल रहे हैं, बस तैयार हो गए। कोई इस कमरे में तैयार हो रहा है, कोई इस कमरे में। भाई बस हर्षित को हर्षित नहारा है और कृष्णा हो गया, सबसे पहले कृष्णा ही हुआ है गाइस तैयार। मुझे मैं तैयार तो हो गई, बस कपड़े चेंज करने हैं मुझे। हर्षित है सुबह सुबह गाइस, बहुत ठंड होती है। जब हम सोचे थे पहले नहा के आएंगे हर की पौड़ी, बट क्या हुआ कि सुबह सुबह इतनी ठंड होती है तो जाया जाएगा नहीं। हमने सोचा कि 9:30 बजे जाएंगे और इससे पहले तो नहाया जाएगा नहीं, इससे पहले फिर दर्शन कर आते हैं एक बार नहा के यहाँ पर। 7:30 बजे भी इतनी ठंड लग रही है ना यहाँ पे, गर्मी गर्मी होती है। यहाँ की अलग ही वाइब्स है और यहाँ पर बहुत सारे महाराज जी आएंगे खाना खाने। अभी ये देखिए बर्तन साफ करे जा रहे हैं और दहिया बिछेंगी और अभी भी पूजा हो रही है, शायद महा भोले बाबा का अभिषेक हो रहा है। मैं देखती हूँ अभी दिखा। तो गाइस हम रेडी हो गए जाने के लिए, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, बस निकल रहे हैं। रेडी होते होते भी टाइम ही लग गया हमें। बच्चे हमारे सब रेडी बैठे हैं, नींद आ रही है ना दोबारा। हरी खाई चलो तैयार है सब। गाइस यहाँ पर हम नीचे आ गए हैं और ये है यहाँ पे संत महात्मा जी। चलो हैं गाइस, हम सब रेडी हैं जाने के लिए। जय श्री कृष्णा महाराज जी। महादेव तीनों महादेव हो जाएंगे, त्रिकेश्वर भी हो जाएगा। त्रिकेश्वर तक गाड़ी चली जाती है ना, त्रिकेश्वर के बाजू में ही त्रिकेश्वर के ऊपर चली जाएगी, बड़ी चढ़ाई है ऐसे चली जाएगी। पेट्रोल लगा दियो माता जी हमारी, गाड़ी पेट्रोल लगा दियो, एटीट्यूड में रहते। प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, अब आज हम जा रहे हैं सुबह लेकर आओ मंदिर और चल जाएंगे महादेव जी के मंदिर। आज पहले बाहर बुला लेंगे, पहले इधर आ जाओ। लाइन चेंज हो गया, लाइन चेंज हो गया, बैठे बैठे चलो जिसका जाम बुलाओ तभी पहुँच जाओ। तो गाइस अभी का सीन ये है कि हम रुके हैं बच्चे चिप्स वगैरह लेने को, जो खाना है वो खा लो थोड़ा कुछ लेके फिर निकलता है। और धूप बहुत तेज़ हो रही है और अंदर हवा लग रही है ठंडी, हालांकि हमने एसी में चलाया हुआ, लेकिन जंगल में से निकल रहे ना तो हवा ठंडी है, एसी से होती है, लेकिन बाहर धूप है गाइस बहुत तेज वाली। तो गाइस हमने चिप्स वगैरह ले लिए बच्चों के लिए, खाते जाएंगे मस्त। तो गाइस जब पहुंच गए हैं बाबा के मंदिर, गाइस जब मंदिर पहुंच गए हैं बहुत धूप हो रही है, गर्मी हो रही है बहुत। प्रसाद लेते हैं अभी बाबा का।
आज हमने प्रसाद ले लिया है यहाँ पर, गुड़ की भेली का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो यहाँ सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी। जय बाबा, जय बाबा, बोल सिद्ध बली बाबा की जय, और बालाजी महाराज की जय। तो गाइस सीढ़ियाँ चढ़ जाते, सांस चढ़ गई है, काफी सारी सीढ़ियाँ हैं। आते हुए काउंट करने कितने, हाँ उतरते हुए काउंट करने। देखिए गाइस मस्त व्यू है यहाँ का, अब बहुत ही हाइट पे आ गए यहाँ पे भी। तो गाइस यहाँ पर नारियल भी है, हमें 200 में लेके जाना पड़ेगा, गुड़ की भेली भी। बहुत सारी सीढ़ियाँ, हमसे 100 सीढ़ियाँ होंगी, मतलब थोड़ा थोड़ा ना ब्रेक कर करके दे रखे हैं, कंटिन्यू नहीं है सारी सीढ़ियाँ, थोड़ा सा ब्रेक कर कर, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट पर पहुँच गए हम। मम्मी ये देखिए गाइस यहाँ का व्यू, कितने हाइट पर हैं हम जंगल में, मस्त व्यू है यहाँ का। हम आ गए सिद्धवली बाबा के मंदिर, बोल सिद्धवली बाबा की जय। Thank you.
और बस प्रसाद खाकर ही जाएंगे। कितने पास में आम लटक रहे हैं, आम का पेड़ है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं और सब पे आम ही आम लदे पड़े हैं। हाँ, आम ही आम लदे पड़े हैं सब पे। और प्रसाद लेते हैं बाबा का और देख देख के ना मुँह में पानी आ रहा है। सीताफल की सब्जी, आलू की सब्जी और हलवा और पूरी तक गरम गरम प्रसाद। गाइस सब निकल रहे हैं बाबा के मंदिर से और भयंकर बोलो सिद्धवली बाबा की जय। भयंकर गर्मी हो रही है। हाँ, तो गाड़ी तब गई ना धूप में। और ये मेरा है और कैसे का भी खा लो मेरा छत भी कर रहा हूं। हां वही और पाँच क्या सवा पाँच बज गया, पता नहीं नहाना मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि आरती का टाइम हो जाता है और बच्चों को नहाना है। आज नहा नहीं पाए हम और फिलहाल चलते हैं गाड़ी। अच्छा हर्षिता मैं सोचा हम लेके जा रहे हैं गाड़ी और मैं यहीं रख लेती हूँ। चाबी तो रखी है। अरे मुझे दी थी मैंने, यहाँ रखी मैंने सोचा। गाइस इस टाइम तो बहुत भीड़ है, यानी कि आरती होगी ना इसलिए लोग बहुत आ रहे हैं। Yeah.
मंगल करनी जय मां गंगे प्रेम से बोलो जय मां गंगे सब मिल बोलो जय मां गंगे हर हर शंकर जय शिव शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर पार्वती पति जय शिव शंकर पार्वती पति जय शिव शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर हर हर गंगे जय मां गंगे 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 हर हर गंगे Thank you.
और यहाँ पे सब भोजन व्यवस्था है। तो गाइस 11 बज गए हैं और हम आरती वगैरह देख के भी आ गए, खाना वगैरह सब खा लिया हमने और बस बाहर घूम रहे हैं। बच्चों को ऊपर आने का मन ही नहीं कर रहा, नीचे बैठे ग्राउंड में तो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं अपने ग्राउंड में, आश्विनी के चौक में। ये देखिए मेरे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, इनका भी आने को मन नहीं कर रहा ऊपर क्योंकि नीचे ही बैठेंगे। और गाइस बस सुबह देखते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, दर्शन करने वहीं तो जाएंगे। और हमारा है शाम का निकलने का प्रोग्राम दिल्ली का, आप देखिए जैसे भी सेटिंग बैठती है ऐसे देखेंगे। तो चलो गाइस जब इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।